रश्मि, आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक अलग तरह का डोसा बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम दाल और चावल का डोसा खाते हैं, बट आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है गेहूँ के आटे से डोसा। जब ये आप डोसा बनाओगे तो आई एम श्योर कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत ही सरप्राइज होने वाले हैं कि गेहूं के आटे से भी इस तरह का डोसा बन सकता है। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही पतला और बहुत ही अमेजिंग बनता है। साथ में मैं इसके आपको साउथ इंडियन स्पेशल नारियल की चटनी भी बताने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए झटपट बनाते हैं आटा डोसा और नारियल की चटनी। तो सबसे पहले हम साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं। मिक्सर के बर्तन में एक कप गीला नारियल, जिसे मैंने छोटा छोटा काट कर लिया है, एक बड़ा चम्मच काजू, एक बड़ा चम्मच चना दाल, एक हरी मिर्च तोड़कर डालेंगे, एक बड़ा चम्मच धनिया, आधा नींबू का जूस या फिर आप इमली भी डाल सकते हो, एक बड़ा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। ये मैंने पीस कर रेडी कर लिया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ाने के लिए हम तड़का बनाएंगे। यहाँ पे मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक छोटा चम्मच सरसों, एक छोटा चम्मच जीरा और उनको स्प्लटर होने देंगे। गैस को अब हम धीमा करेंगे। इसमें हम 3 साबुत लाल सूखी मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल डालेंगे। उड़द दाल की वजह से ही चटनी में क्रंचीनेस का फ्लेवर आता है। अब हम इसमें हींग डालेंगे चुटकी भर, करी पत्ता के 8 से 10 पत्ते मिला देते हैं और गैस को अब हम ऑफ करेंगे। इस तड़के को हमें गर्मा गर्म ही चटनी में मिलाना है। अब हम इसे मिला देते हैं चटनी में अच्छे से। तड़के के वजह से चटनी तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो ही जाती है, साथ ही में इसका लाइफ टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस चटनी को आप फ्रिज में 1 से 2 हफ्ते तक आराम से रख सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। हमारी साउथ इंडियन स्टाइल नारियल की चटनी बनकर रेडी है। अब हम इंस्टेंट डोसा बनाना शुरू करते हैं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। गेहूं का आटा 1 कप, छाछ 1/2 कप, बटर 2 बड़े चम्मच, नमक स्वादानुसार, बेकिंग पाउडर और छोटा चम्मच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बाउल में हम गेहूं का आटा लेंगे, इसमें हम स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच बटर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इस तरह से मिलाएंगे। बटर को इस तरह से मिलाने से डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपने इसमें बटर नहीं डाला तो आपका जो डोसा है वो शेपलेस बनेगा और ख़राब भी बनेगा, उस तरह का क्रिस्पीनेस उसको नहीं आएगा। ये हमने सबको अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 1/2 कप प्लेन छाछ मिलाएंगे। अब इसे हम मिला देते हैं। ये जो मैंने छाछ है, 3 बड़े चम्मच दही, उसमें 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से फेंट लिया था। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। इस बैटर में कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमारा डोसे का बैटर होता है बिल्कुल वैसे ही हमें इस डोसे का बैटर बनाना है। मैंने इस छोटी कटोरी से 1/2 कप पानी इसमें मिलाया है। आप अपने अंदाजे से, आप जितना आटा ले रहे हो उसके अंदाजे से आप इसमें पानी मिलाएं। इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए, ना ही बिल्कुल पतला और ना ही बिल्कुल गाढ़ा। अब हम इसका डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा पैन लेंगे, इस तरह से हम डोसा बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल डोसे को फैलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। एकदम पतला डोसा हम फैलाएंगे। गैस को हम मध्यम आंच पर रखेंगे और डोसे को पकने देंगे। नीचे से डोसा हमारा पक चुका है, ऊपर से हम पिघला हुआ बटर डालेंगे और इसे टर्न करेंगे। ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे दूसरे साइड से भी पकाएंगे। इस डोसे को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये हो चुका है।
मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आसानी से हम इसे टॉस कर सकते हैं, इसे फोल्ड कर देते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनकर रेडी है, बहुत ही पतला डोसा बना हुआ है। इसे आप नारियल की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखा ना कितनी आसानी से हमने गेहूं के आटे से भी डोसा बनाया, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगता है। साथ में इसकी नारियल की चटनी भी मैंने आपको बताई है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पर जरूर शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कराना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।